हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, पता नहीं इस नेचर में क्या क्या छिपा हुआ है। अब आपके सामने एक नीलगाय है जिसके अगले दोनों पैर या तो टूटे हुए हैं या उनमें कुछ ऐसी चोट है ये खड़ी होकर चल भी नहीं सकती। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेचर हर किसी को कुछ मौके देता है और कुछ धोखे देता है, और जिनमें से एक नीलगाय है ये। अब मैं इसको फिल्मा रहा हूं, लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी है। क्या इसके पैर टूटे हुए हैं या यह चलने में सक्षम ही नहीं है। चलो, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, पीछे की साइड लेके चलता हूं मैं आपको। उधर से एक बहुत बड़ा नर इसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ, शायद हो सकता है ये बड़ा नर, क्योंकि बड़े जो नीलगाय हैं नर, वो छोटों पे अपनी ताकत स्थापित करने के लिए उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं जब वो दौड़ जाते हैं। तो यदि उसके पैर सही हुए तो शायद वो अब खड़ा होगा, और खड़ा होने के बाद में वो दौड़ने लगेगा या यहाँ से भाग जाएगा। तो इस बड़े नर को उधर जाते हुए देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद उसका अब मुझे ये पता चलेगा कि उसके पैर टूटे हुए हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ ये चारा चरने के लिए ऐसे पैरों से घुटनों पर है। तो दोस्तों, एक ध्यान रखना, ये चारों तरफ आपको सरसों के खेत डंठड़ी डंठड़ दिखते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ खेतों में चने हुआ करते हैं, तो चने की भूसी है वो। वैसे सरसों की तुड़ी ये जानवर बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अब नज़दीक आ चुका है ये, अब देखते हैं, क्योंकि ये इसको ललकारेगा या इसको डराने की कोशिश करेगा। ये देखो, आँखें ये इससे हटने लग गया है। अब देखते हैं क्या ये खड़ा होने की कोशिश करता है। नहीं यार, ऐसा लगता है हाँ, यस यस यस, नहीं हुआ। उधर वो आगे बढ़ गया दूसरे नर की तरफ। लगता है इसके वाकई पैर या तो टूटे हुए हैं या कुछ ऐसा है कि ये खड़ा होकर चल ही नहीं पाता। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो यार शेयर करना।